ये है सबसे बोरिंग काम, बैग ढूंढना। और उसमें इतने सारे बैग और उसमें से पहचानना कि हमारा बैग कौन सा है। कभी कभार तो बहुत सारे सेम बैग भी आ जाते हैं, और ये मेरे साथ हो चुका है। क्या ही कर सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, और अभी बस लोकेशन पे जा रही हूँ। यहाँ पे भी ट्रैफिक होता है गाइस, पहली बार मैंने देखा है, मुझे लगा सिर्फ मुंबई में होता है। चलो कोई नहीं। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। सो दिस इज माय लोकेशन एंड लुक माय आउटफिट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चारों तरफ से दिखाती हूँ। दिस इज माय वॉशरूम, बाथटब, जो मैं बैठी रहूँगी यहीं पे जैसे फ्री हो जाऊँगी। दिस इज माय रूम गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडी है, मैंने जैकेट पहन लिया, लिटरली बहुत ठंडी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं उठ गई हूँ, और मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सो ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करके देन मैं आप लोग को यहाँ का व्यू बताती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और इतनी ठंडी है ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरा ये हाथ बहुत दुख रहा है, रात से पूरा नस अकड़ गया ऐसा लग रहा है। बहुत ठंडी है, जैकेट के बिना रह ही नहीं पा रही हूँ मैं। मतलब क्या ही बताऊँ, 12 डिग्री 13 डिग्री, तो आप समझ सकते रहोगे बहुत ज़्यादा ठंडी है। ओके देन मैं मिलती हूँ आपसे ब्रश करने के बाद, और ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ, तब मैं आप लोग को बताती हूँ ठीक है यहाँ का ब्रेकफास्ट। सो गाइज आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट नाउ। ठंडी ठंडी की वजह से उठने का मन भी नहीं कर रहा है, कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, भूख भी तो लगती है ठंडी में ज़्यादा, यू नो दैट। चलो देन निकलते हैं। भटक गई हूँ, मुझे यहाँ का इंटीरियर इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है ये होटल का इंटीरियर, आई लव इट। मीन्स बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और ग्रीनरी इतनी है ना, सी सो दिस आई जस्ट लव दिस। जॉनी वॉकर, गाइस मैं पोहा खा रही हूँ, और मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया ऑन द वे, तो वो खाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग में हैवी, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं जमता मुझे। सी माय मसाला डोसा, माय जूस एंड सैंडविच। यू नो गाइस व्हाट, 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, और मैं आई हूँ नाश्ता करने 10:15 बजे, 10:30 इज लास्ट टाइम, और मैं 10:15 बजे आई हूँ। ठीक है यार, कितना प्रिटी है यहाँ का व्यू देखिए, और सामने ही समंदर है। यहाँ पे शादी की तैयारी हो रही है,
तब तक मैं आप लोग को ग्रीनरी बताती हूँ। सिर्फ घूम रही हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास 1 घंटा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूमते हैं 1 घंटा, कुछ तो करूँ, क्या ही करूँ। सी, ये रूम का व्यू है, या सो दिस इज माय रूम ऑन 3rd फ्लोर, दिख रहा है? मेरा नाश्ता हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। थोड़ा ऐसे ही यहाँ वहाँ थोड़ा घूम रही थी, झरना। अब मैं जा रही रूम में, फिर फ्रेश अप होती हूँ, रेडी होती हूँ, देन बैक टू वर्क। हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है बैग्स की। गाइज, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ना कि मुझे बार बार ढूंढना पड़ रहा है कि रूम के लिए कहाँ कहाँ से जाना है। सो यस, यहाँ से जाना है और यहाँ पे है मेरा रूम। काफ़ी बड़ा है प्रॉपर्टी, काफ़ी है। यहाँ के स्लीपर्स, गाइज दिस इज माय रूम। जैकेट्स ऐसी फेंक के चली गई थी मैं, और मैंने रात को खाना खाया था तो मैं ऐसे ही छोड़ के चले गई हूँ। देखो अभी तक खाना भी है इसमें, तो मैं रूम थोड़ा सा क्लीन करवा देती हूँ बोल के। मुझे ना ये प्लेट्स भिजवानी थी, हाँ, मतलब खाना जो खाया था तो वेस्ट जो है। यस, 533 प्लेट्स नहीं भेजना है, प्लेट्स जो है जो मैंने खा लिया है वो मुझे ये क्लीन करवाना है। हाँ यस 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 ओके। रूम क्लियरेंस करवाना है। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रूम से व्यू कितना ब्यूटीफुल है। वेट, सी, यहाँ पे ऐसे टेबल है एंड लुक दिस पेंटिंग, वाओ, सो ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। लुक, सामने ही लेक है। Very nice.
नाइस इट इज। यहाँ की बालकनी कितनी सुंदर है देखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट प्लीज़ कमेंट करो कि मैं और आप लोगों को कहाँ की प्लेस बताओ और क्या आपको क्या देखना है, ठीक है, और किस तरह की वीडियो बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए। सो यस, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और फिर बैक टू वर्क। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, love you all and keep supporting me. Bye-bye.